गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आप लोगों का युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में स्वागत है। मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी, आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाना है। लेकिन पहले आप लोग सुनिए, आप लोग UKG से अब फर्स्ट में आ गए हैं, आप लोग घर पे बैठे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठ करके आप लोगों को पढ़ना है। वीडियो से हम लोग वीडियो रोज़ बना करके आप लोगों को शेयर करेंगे, आप लोग आराम से पढ़िए और घर पे रहिए। तो आज हम लोग पहला चैप्टर है हिंदी का वर्णमाला। वर्णमाला को आज हम लोग पढ़ेंगे। वर्णमाला में स्वर होता है और व्यंजन होता है। तो पहले हम लोग स्वर देखेंगे। स्वर में अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, यानी यह स्वर हुआ। स्वर के बाद क्या आता है? व्यंजन। व्यंजन में देखिए क ख ग घ ण, फिर उसके बाद है च छ ज झ ञ, फिर है ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, खटखोर ख श ह। उसके बाद आता है, जैसे मान लीजिए फिर कुछ ह के बाद संयुक्त वर्ण में आ जाते हैं, जैसे क और श मिलके छ छ हो गया, ज मिलके ज्ञ हो गया, तर मिलके त्र हो गया, सर मिलके श्रमिक वाला स्र हो गया। तो इस तरह आप लोगों को लिखना है और वर्णों को क्या करना है, मिला करके, जैसे ब और ल मिलके बल होता है, जैसे ज और ल मिलके जल होता है। जैसे आप लोग बताए ना बल, जैसे यह हो जाएगा ब और ल, इसको जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ब ल ब ल। उसी तरह जब हम मिलाएं ज धन ल, तो ये क्या बनेगा? आप लोग खुद बताइए क्या बनेगा? जल, ज ल जल। फिर उसके बाद जैसे न अधन ल, इसको भी आप मिला दीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा? न ल, न अल न ल। फिर आइए यह, फिर एक है द धन ल, क्या बनेगा? दल, क्या बनेगा? दल, द अल। फिर उसके बाद आ जाइए प धन थ, ये हो जाएगा प थ। फिर अब आ जाइए तीन अक्षरों वाला म धन ह धन ल, म ह ल। उसी तरह एक और देख लीजिए प धन व धन न, ये हो जाएगा पवन। तो ये आप लोग अपने कॉपी पे लिखिएगा और खूब सुंदर सुंदर राइटिंग बना करके मात्रा का दिया, मतलब बहुत सुंदर लिखना है, देखने में अच्छा लगे। और जो नहीं समझ में आएगा आप लोग मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, फिर अगले वीडियो में। फिर इसके लिए धन्यवाद।